हम सबके लिए शायद वो सब पूरे संसार के लिए एक उजाला है जो सबकी जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में कभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जाति धर्म पंथ संप्रदाय ऊंच नीच ये बहुत चल रहा है और कभी भी इन सबको छोड़ करके एक ऐसी बात रखी जो हम सब एकत्र होकर के बैठे भाईचारा की भावना रखें एक साथ कुछ बात करें एक साथ रहकर के कुछ अपना जीवन को आगे बढ़ाने की बात करें ऐसी बात कभी ना रखी है। कभी ना कहीं हवा में तीर नहीं मारा ये करोगा तो वो हो जाएगा यूं हो जाएगा ऐसा नहीं। उन्होंने वो बात कही जो हम सबके अंदर घटित है हम सबके हित और इबादत की बातें वो रखी है ना कि यूं कहा कि यहां से तीर मारा तो गंगा जी में निकला फिर वहां जाके ये हुआ वो हुआ ये नहीं करते। उन्होंने ऐसा तीर मारा कि जो हम सबको घायल होने होने ही पड़ेगा। तो आपकी जीवन रखें गुरु को मेरी बंदगी कोटि कोटि प्रणाम गीत न जाने धनी को गुरु कर ले आप समान तो गुरु धामी शिष्य का पीड़ा और साबुन सिर जनहार सुरत शिला पर धोई है निक से ज्योति माटी कहे कुम्हार शहर तुम क्या रोंधे मोई एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो पर करनी करे तो क्यों डरे न कर ही क्यों बचताई अरे तूने बोया पेड़ बबूल का आप कहाँ से था करनी करे तो क्यों डरे कर ही क्यों पछताए तूने बोया पेड़ बबूल का आप कहाँ से था। राम किसी को मारे नहीं वर सबके दाता राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोज ऐसी बात रखते हैं कबीर वो मतलब पट्टी नहीं लगाते हैं वो बात करते हैं जो परफेक्ट है करेक्ट है वो बात कहते हैं। क्या कहते हैं शुरुआत में कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे है कोई तू कहे मैं कहूँ आखर की देखी तू कहे कागज की लेखी तेरा मेरा मनवा कैसे है कैसे thank you.
ऐसी बात करते महापुरुष कि उनकी बात में हमारी बात मैच हो नहीं पाती। भैया इसका बड़ा मजा आया, ये मेन माइक से थोड़ा उठा। हेलो हेलो, वाइब्रेशन अगर होता है तो 7 बजे से होता है, मेरी आवाज से नहीं होता। मेरी आवाज अगर कम करेगा तो मुझे गाने में ठीक लगेगा। अगर आपको किसी को अगर कान में वाइब्रेशन होता है तो होता है 7 बजे से, इनका कम करें। मेरा अगर करेंगे तो ठीक है, ठीक है। कबीर कहते हैं, जटा रखाने से या कपड़े रंगाने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उस पर चलने से। कबीर कहते हैं, मन नहीं रंगाया रंगाया कपड़ा, कपड़े रंगा लिए और मन नहीं रंगाया तो क्या होगा? या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर कहीं धक्के खाना पड़ेंगे। कपड़ा रंगाने से क्या होता है? लेकिन ठीक है, अपना कोड बनाते हैं लोग। आज के युग में बड़ा सब सारे स्कूलों का अपना अपना कोड होता है, शायद ड्रेस कोड बना लिया सब ने। लेकिन कबीर कहते नहीं, जहाँ जिस देश में रहे वो रह सकता है और भज सकता है उसको। उसको भजने के लिए ना तो किसी डाटी की जरूरत है, ना किसी अन्य प्रकार की वेशभूषा की जरूरत है। वो जो जहाँ रहे जैसा रहे उसको भर सकता है। कबीर कहते हैं, क्या किसी फकीरी चाहिए? वो असल फकीरी चाहिए जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जरूरत अगर है तो आप अपने आप को परिवर्तन करने की, ना कि हम शारीरिक परिवर्तन करें। क्या कहा? मन के मते नचालिए, मन के मते नचालिए, मन के मते है अनेक, जो मन पर नसुआर है सो साधु पंडे। मन के हारे हार है और मन के जीते जी, ये मन ही मिला रे राम से मन ही करे भजीत। मन कहीं दो चार पांच दस नहीं है, मन एक ही होता है, पर हमने मन को मार लिया। चलो कैसे मार लोगे मन को? मन को घुमाना है, मन को डाइवर्ट करना, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। काम को चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, लालच भी, सब चाहिए, लेकिन कितने? हम रोटी खाना पकाते तो सब में बराबर बराबर होना, मिर्ची मसाला ये वो नमक सब बराबर होना ना, कि नमक ज़्यादा चलेगा। ऐसे सब चीज की जरूरत है, उसको कहाँ लगाना है, कितना डालना है, कितना करना है, सबकी जरूरत। तो कबीर कहते हैं, कैसी फकीरी? मन की फकीरी चाहिए, तन की नहीं। और तन की फकीरी में क्या कितनी विडंबना हो रही है हम सब लोग देख रहे हैं। मन की चाहिए कैसे?
कि असल और नकल क्या है, और असल के आड़ में नकल ऐसी पैदा हो गई है कि उसको परखना मुश्किल है। और उस परख के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे हमारे बीच में शब्द और वाणी रखे हैं कि उसको हम परख सकते हैं। कबीर कहते हैं मेरे भी मत मानो, कबीर कहते हैं शब्द कहे सो कीजिए, गुरुवे बड़े लबार, अपनी अपनी बात को ठोर ठोर बटवा। उसी बात को वो कैसे अपना रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। इसलिए कबीर कहते राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस राम से तिला सिला तेरी वो नाम कुछ और। तो हमें परखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने अपने 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 हिसाब से बात कही है,
दरबार से ठाकुर साहब राम राम को जय सिया राम, उनको उस राम से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी अपनी प्रतिभा में और अपना उसमें उसमें राम बोलना है। ऐसे राम से काम नहीं चलेगा। कबीर कहते राम के कहे जगत के थी और खांड कहे मुख मीठा, संतो वाद बदे सो झूठा। राम राम कहने से राम मिलने वाला ना है, ये कबीर कहते हैं। राम के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा तो मिलेगा। हम राम राम में लगे हुए पूरी उम्र गुजार दी ऐसे ही राम राम करते हुए, पता नहीं आदि युग से चले आ रहे हैं, आज तक भगवान किसी को मिले ही नहीं, कोई मिले तो बताए। क्यों नहीं मिलता? वो मिलने का सवाल तो झूठा है ना, मिला अंग संग है हमारे, हमारे साथ में है। राम का मतलब होता है हमारी नाक मुंह मुंह खुलता और बंद होता, उसका नाम है राम, जो आम में रमरा, सब में जो रमरा है उसका नाम है राम। अब हम बाहर भी ढूंढने जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कैसे मिलेगा? हे हाजिर और दूर बताए दूर की बात निराशी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। कबीर कहते हैं हे यहाँ और वहाँ बताए बताओ। तो हमको सबको समझने की जरूरत है, उसकी वाणी में जो मरम है, जो एक जीनी सी एक आवाज़ है, जीनी सी एक समझ है, जीनी सी एक रूहानियत जो हम सब के अंदर है, उसको समझने की जरूरत है। कबीर कहते हैं कि लटका छोड़ना पड़ेगा, हम सबको आदत पड़ी हुई है, बड़े साधु को देखेंगे तो वो बड़ा ऐसा दिखेगा, हाँ इधर तिलक उधर तिलक माला ये वो तो ओहो ये है खास उनको उसके भेजे हुए है, ऐसा नहीं। कबीर ने घर घर जाकर गली गली में मानो मात के अंदर वो बात रखी जो बात हम सबके गहन में आती है, हमारा प्रकाश हो जाए। और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है हमारे अंधकार से दूर करते वो गुरु, गो अंधियारा जानिए रूक ही है प्रकाश और मिटे अज्ञाने ज्ञान ते गुरु नाम है तास। हम सबको अंधकार में रख करके कहते हैं उसको नाम कहते गुरु, कहाँ गुरु। तो एक भजन है कि लटको छोड़ दे मनवा असल फकीरी दार, अब वो कहीं नकल होगी तब जाके उन्होंने कहा होगा किसी को बुरा लगे भला लगे, उन्होंने तो वो बात कही जो सही है। क्या
कबीर कुआ एक है, कबीर कुआ एक है, बनिहारी ही अनेक, बर्तन का है आतरा वम नीर एक का एक, सब आया एक ही बाट से, उतरा एक ही घाट, यहाँ बीच में दुविधा पड़ गई, हो गई बार बार। कितनी बाट हो गई यहाँ पर? कबीर ने सबने एक घाट पर आए, एक ही बाट से आए, और यहाँ पर पता नहीं कितनी दुविधा हो गई। इन दुविधा को दूर करने का काम संतों ने किया, हम सबको एक जगह बिठाने का काम किया, सबको एक जैसा समझने की, परखने की, भाईचारे की भावना की बात कही। लेकिन क्या करें, हम खुद ही सोए हुए हैं। हम जिस दिन जग जाएंगे उस दिन मानेंगे कि हम इंसान हैं, हम सब सोए हुए हैं, और सोते सोते कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो क्या पता चला, कहाँ थे पता ही नहीं। कबीर कहते कहाँ कहाँ सोए, मैं आपको बताता हूँ, और हमें कहाँ जगना था ये भी उसमें संदेश है कि हमें कहाँ जगना चाहिए, और तो कहाँ कहाँ सोए कि हमारे सारी स्टेशन दूर हो गई। कैसे आछे दिन पीछे गए न किया न गुर सहन, जब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, ए जीरे जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर जगाने का काम संतों ने ज्यादा किया है। कैसे जगाया और कहां जगना था इस भजन में, इस तरह से आया।
कबीर ने जगाने का काम किया और हम सब ने सोने का काम किया। खूब खाया और खूब सोया। क्या करें, खूब खाएंगे तो खूब नींद आएगी, इसलिए कबीर कहते खाओ का, सो का, बोलो का, चलो का, काम खूब करो है, इसलिए की बात करते हैं। बैठो ज्यादा, हम सब काम ज्यादा करते हैं, और जब तक इंसान संयमित नहीं रहेगा उसका जीवन शायद दौड़ते हुए बीतेगा। कबीर कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मारी सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। क्या होता है, मैं हर जगह कहता हूँ कि कबीर, एक मैंने एक पिक्चर देखा था, उस पिक्चर में जाने वाकर घोड़ा चलाता है टांगा,
तो उस तांगे का घोड़ा जो वो हरा घास खाता है, तो दिन भर की कमाई वो घोड़े खा जाता है। तो जाने वाकर उसका जो दिमाग वो आज हमें रूबरू करवाता है कबीर की पानी से, कि उसने अपने घोड़े को हरे कांच का चश्मा पहना दिया तो उसको सूखा भी डाला तो हरा दिखे। लेकिन उस बात से ये प्रतीत होता है कि हमें भी ऐसा चश्मा पहनाया गया है चंद लोगों ने। कोई हिंदू दिखता है, कोई मुसलमान दिखता है, कोई जैन दिखता है, कोई पारसी दिखता है, पता नहीं क्या क्या दिखता है। संतों ने यह बात कही कि जिस दिन संतों रूपी चश्मा हमें लग गया तो कोई दूसरा दिखने वाला नहीं है। दूसरा हमें दिखता क्यों है कि हमें चश्मे ही नहीं लगा हो, हमारी नजर में हमारी सोच में वो आया ही नहीं। सब ये आया है वो हिंदू है मुसलमान है कि फला ये वो है। ये वो को मिटाने के लिए संतों ने बहुत सारी बातें हमारे बीच में रखी है। अगर उसका चिंतन या मनन करें तो शायद हम सबको वो चश्मा लग सकता है। एक भजन इस तरह से है। अरे हाँ और ना के बीच में मेरा साहिब रहा समाए, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही कमाई, जो मेहंदी की पात में लाली लखी न जाए, तो लाली मेरे लाल की चित देखूं तो लाल, लाली देखण में चली तो मैं भी हो गई लाल। अब वो चश्मे ने लगा तो कहाँ से दिखेगा लाली। कबीर कहते हैं वो चश्मा पहनने की जरूरत है, उस बात को अध्ययन करने का, शोध करने का, अंदर में डालने की जरूरत है। तो क्या कहते हैं कबीर, मुझे तो दूसरा दिखते ही नहीं, कोई मुझे जहाँ देखो वही दिखता है। अब सवाल अपने ही घर का है, अपने घर में गड़बड़ इसके सारी बातें होती है। कैसे Thank you.
भजन और बोल के वाणी को विराम दें। आप सब लोग चाहते हैं एक भजन और बोल। कबीर ने बैलगाड़ी के माध्यम से अंतिम एक भजन कहा है। आज से 650 साल पहले बैलगाड़ी के माध्यम से कहा था कि इसको धीरे धीरे चलाना। और हम मानते हैं कि बैलगाड़ी की स्पीड तो आज के महीने में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आज भी वो हमारे गहन माथे के वाकई में धीरे चलाना चाहिए। और उस बैलगाड़ी के माध्यम से शायद इस बैलगाड़ी की बात कही काया रूपी गाड़ी की, इसको धीरे धीरे चलाना। कैसे Oh,
लेकिन जब ये अगर टूट गई तो यहाँ पर जोड़ने वाला कोई नहीं। इसलिए कहा है देश देश का वैद बुलाया पिलक पिलक कर तिरिया रे रोवे पिछड़ गई
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही आत्मीयता के साथ में संतों की वाणी को सुना। देखिए कबीर साहब ने जिस धागे की बात की, जिस चादर की बात की है, वो चादर कहीं आसमान से उड़ के नहीं आई या कहीं किसी के उस्मान से नहीं। कबीर ने एक ऐसी चादर कही है जो हमारे अंग संग से लिपटी हुई है, जो हमारे से निकल के आती है, और वो इतना बारीक धागा जिसको इस आँख से देखना मुश्किल है, बहुत महीन धागा है, और इतनी मेहनत से उसको बनाया है, बुना है। अगर हम यहाँ के बुनकरों से अगर बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमको इतनी मेहनत लगती है, तो इतनी मेहनत लगती है जिसका कोई वो बताते बताने में रोना आ जाता है। जब वो चादर कपास वाली बुनने में इतनी मेहनत लगती है, तो इस काया रूपी चादर को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और इस हम वैसे ही इसको कमा दें, व्यर्थ कमा दें, इसका कोई मायना नहीं जाने कि हमें क्यों मिली, क्या करना है, इसको चाहे जहाँ खराब कर दें, व्यर्थ खराब कर दें, व्यर्थ इसको काली मेली धोली कर दें। इसलिए उनको कहना पड़ा ये बहुत महीन तरीके से बनी है और कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मानव जीवन अगर मिला तो इसी को शोध और समझने के लिए बना कि हम उसको देखें कि कितनी मेहनत से बनी है और हमें इसको उपयोग में लेना चाहिए। ये बात है, तो देखिए चादर है। ऐसी आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, ऐसे संत न होते जगत में जल मर तो संसार। कबीर कमाई आपनी कब हो न निष्फल जाए, चाहे सात समुद्र आड़ा फिरे पर मिले अगाड़िया। करनी के बिना कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर समान भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। किसी बात को रट लगाने से कोई होना जाना नहीं है। एक किसी कागज में लिखा हुआ रहता है, किताब में लिखा हुआ रहता है कि मिर्ची बहुत तेज होती है, चरखी होती है, अब उसको चरखी 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 बहुत तेज करते जाओ तो क्या मुंह में लगेगी? अगर हम आग आग करते जाए तो लब पे कोई लगता है कुछ, छाले पड़ते हैं क्या? नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं कि राम के नाम को जानना पड़ेगा, कौन सा राम, हमें तो वही धनुष बाण वाला राम चाहिए, तो हमारे को तारे का नहीं, तो कि ऐसे ऐसे राम को नहीं मानते हो। कबीर कहते हैं कि हर घट में राम, जहाँ देखूँ वहाँ राम, राम के जगह से कोई जगह खाली है ही नहीं, वो राम। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से सिल्ला तेरी वो नाम कुछ और। तो हमें खोज क्यों नहीं करना चाहिए? हेलो, आज हमारे यहाँ पाठ है, आ जाना, पाठ में लगे हुए, पाठ में, पाठ अदा करने में लगे, पाठ हुआ, आरती हुई, प्रसाद बांटा, जाइए, आपका भला होगा, जाओ, पाठ से काम नहीं चलेगा, पाठ अदा करना पड़ेगा। कभी कहते हैं चादर के बारे में, चादर जीनी, चंदीनी हो।
कमल का चरखा चाले बात का तू कुर्तीनी चादर जीनी अजमीनी हो अब आज की कमल कौन से वहां भी हमारी कैसे से उड़क जाती है क्या आज तुम कमल के वहां से आता होगा इधर उधर या कोई लोग बता दे वो तब आता होगा आस्त कमल का मतलब पांच तत्व और तीन गुण से मिलकर हमारा शरीर बना है इसको कहते हैं आस्त कमल इंगला पिंगला ताना बिना ये इंगला और पिंगला इसके बाद में क्या आता है इंगला पिंगला ताना बिना सुनिया भर बीनी चादर बीनी रंगीनी हो कई लोग रखते हैं उसका पार्ट किधर है बोले वो दिखती नहीं वो अंदर में ही है अंदर बैठी हाँ ऐसा उलझाया हमको क्या उलझते ही चले गए पता ही नहीं चला कहाँ गंगा जमुना कहाँ सरस्वती त्रिवेणी यहाँ कहा जहाँ पर तीन चीज का मिलान होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं अब हमें वहाँ उलझ जाते हैं लगे रहो नहाते रहो धोते रहो खूब लगे रहो पार चलते रहो नीचे उतरते रहो भागते रहो और आगे क्या कहा Thank you.
साधुवाद, आपने बहुत ही मार्मिक से तने से बहुत ही निर्मल पने से संतों के वाणी को सुना। प्रणाम, नमस्ते। थैंक यू कादर बाबू जी और लामाकान, और हम सबकी ओर से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए इतनी दूर से और हम सबके लिए पेश किया। एंड आप सबका भी शुक्रिया कि आप आए, वर्किंग डे है। एंड जस्ट टू रिमाइंड, वो वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए है, अगर आप कुछ लेना चाहें तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।